सहयोग देते हुए लोकवाद्य कलाकार अमर सिंह बैंड पार्टी व लोक। मैं जा रहा हूँ तैयार होकर के जातर के साथ। आज हमारे गांव से जातर लेकर के जा रहे हैं सारे गांव वाले, और यहाँ पर माता रानी प्रकट हुए थे। आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर पेड़ फटा हुआ है और यहाँ पर माता रानी है। और ये हवन के लिए हवन करेंगे मंदिर में, तो इनको मैं अच्छे तरीके से बांध लेता हूँ ताकि ये खुले ना। वैसे इस बार मक्खियाँ काफ़ी अच्छी लगी हुई है, बारिश नहीं हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी मक्खियाँ बहुत ही अच्छी लगी हुई है। हरिओम शिव गंगा, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। मेरा नाम है मित्तू भैया और आप लोग देख रहे हो मित्तू भैया व्लॉग्स। इस वाले व्लॉग एपिसोड की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दोपहर के 3 बजे से। एंड अभी मैं आया हूँ खेत में, और खेत में हमारी साइड मक्कियों की फसल पक चुकी है, तो मैं आया हूँ मक्कियों को बोरी के अंदर भरने। मक्कियों को मैं बोरी के अंदर भरूँगा और कल फिर मैं घोड़े वाले को बुलाऊंगा और घोड़े वाला पहुंचा देगा मेरे घर। गाइस, आपको पता ही होगा कि आपके मित्तू भैया के खेत घर से इतने दूर है ना कि घर तक किरटे के अंदर मक्खियां पहुंचाते वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कल घोड़े वाले को बुलाऊंगा और घोड़े के ऊपर पहुँच जाएगी मेरी मक्खियाँ घर। तो मैं फटाफट बोरियों के अंदर मक्खियां भर देता हूं और कल घोड़े वाला आएगा और बोरियों को घोड़े की पीठ के ऊपर चढ़ाएगा और पहुंच जाएंगी मेरी मक्खियां घर। तो मैं बोरियों के अंदर मक्की भरता हूं। वैसे इस बार मक्खियां काफ़ी अच्छी लगी हुई है, बारिश नहीं हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी मक्खियां बहुत ही अच्छी लगी हुई है। मक्कियों की बोरियां मैंने भर दी है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब चलते हैं घर को। सो हेलो जी, अगली सुबह और आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड मैं जा रहा हूँ तैयार होकर के जातर के साथ। आज हमारे गांव से जातर लेकर के जा रहे हैं सारे गांव वाले, तो आपको भी दिखाते हैं। गांव से जातर ढोल नगारों के साथ बजती हुई बिरवाड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर है हमारा शक्ति माता मंदिर। तो आज वहाँ पर मेला भी है और हमारे गांव से जाएगी जातर, तो आपको भी मैं जातर दिखाऊंगा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, बस थोड़ी देर के बाद जातर चली जाएगी हमारे गांव से। और हमारे अक्षय भाई तैयार हो चुके हैं। हाय गाइस, आज मैं और अक्षय भाई और जितने भी गांव वाले हैं सारे जाएंगे जातर लेकर के, और आपको भी जातर दिखाएंगे। और ये हवन के लिए हवन करेंगे मंदिर में, तो इनको मैं अच्छे तरीके से बांध लेता हूँ ताकि ये खुले ना। ये हमारे मंदिर के पुजारी ये जातर लेके जा रहे हैं हमारे गांव से। दादा बोले कुछ मंदिर के बारे में, बता दो कुछ। मंदिर में जाके हम पाठ पूजा करेंगे और नाच गाना होगा वहाँ दिन में। और मंदिर के पुजारी धूप टिक्का करते हुए यहाँ से शुरू होगी जातर, और बिरवाड़ी नामक स्थान पर प्रकट हुई थी माता, तो यहाँ से चिन्ह लेकर के जाएंगे और
और ये मंदिर के पुजारी। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लो। सर्वशक्ति माता, और शक्ति माता जातर निकल चुकी है। लाइन से चलो ना सारे। हेलो। और ये है सर्वशक्ति माता का मंदिर। जय माता रानी। एंड अभी हम पहुंच गए शक्ति माता मंदिर में और हमारे साथ है अक्षय भाई। और ये रहा शक्ति माता मंदिर। और ये है शक्ति माता मंदिर। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो जातर के साथ आए थे। एंड यहां पर हवन वगैरह करेंगे। ओम विनायक महापुण्यम सर्वदेव नमस्कार देवी गुरुमय देव संकार जय वेन्द्रमौली वृंदावन कलावन विघ्न वरण तुरं चरणं पूजयेद्वा गं गणपति यागाची तिष्ठित्वाय पंचोपचारे संपूज्य गं गणपति स्नान गंधम अष्टम पुष्पं Hey!
और यहाँ पर माता रानी प्रकट हुए थे। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर पेड़ फटा हुआ है और यहाँ पर माता रानी है। ले फोन पकड़। चल बढ़िया ठीक हो? और ये है सर्वशक्ति माता जातर मेला, आप लोग देख ही सकते हो। मेले को समाप्ति की ओर अंतिम रूप देते हुए लोकवादी कलाकार अमर सिंह बैंड पार्टी व लोक नृत्य कलाकार पुष्प वर्ग के करम सिंह बैंड पार्टी व स्त्री वर्ग के लोक नृत्य कलाकार मनोरम प्रस्तुति हिमाचल के जनमानस में बसी है यहाँ की लोक संस्कृति। भले ही वेस्टर्न चर्च ने यहाँ की संस्कृति को प्रभाव में लिया हो, परंतु फिर भी यहाँ के लोगों के मन में अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का जज्बा और उस विरासत को संजोए रखने का बहुत ही समय उसमें सहयोग करने वाले धनदाताओं का बहुत ही सहयोग। इसी के साथ ध्वनी प्रकाश साल सज्जा अजय शर्मा जी पालमपुर, जिनका इस मेले में बहुत ही सराहनीय प्रोत्साहन रहा, साथ ही समिति के अध्यक्ष नरसिंह धीमान जी, उप प्रधान हरीश कुमार जी, सचिव राजकुमार जी व हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से रिटायर्ड वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी श्रीमान रसालू राम जी, जिनके आपात सहयोग से मेले का आयोजन किया गया व समस्त जनता जिन्होंने यहाँ भाग लिया, समस्त व्यापार मंडल के लोग जिनके आपात सहयोग से इस पवित्र समारोह में प्रोत्साहन करने का बहुत ही सुंदर अवसर और लोक नृत्य कलाकार अंतिम रूप देते हुए जातर मेले की समाप्ति के लिए लोकवादी कलाकार अमर सिंह पार्टी और लोक नृत्य कलाकार करम सिंह पार्टी व अंजलि एंड पार्टी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इस मेले में लाइव प्रसारण के लिए जन सोशल मीडिया के लोगों ने काम किया, उनका बहुत बहुत आभार। माता मंदिर परिसर में आयोजित जातर मेले में
हमारा सर्वशक्ति शक्ति माता का जातर मेला जो मैंने आज आप लोगों को दिखाया। वाह, अब हम जा रहे हैं घर को और ले चलते हैं आपको भी। बहुत सारा एंजॉय किया आज तेरी में। अक्षय भाई आया मजा भाई, बिल्कुल फुल मजा। चलो 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 घर को। इस वाले एप्पल को खाता हूँ और उसके बाद मैं करूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर रील शूट, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अपनी रील डालता रहता हूँ। बड़ा ज़्यादा मीठा है, बड़ा ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं खा लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वाले व्लॉग एपिसोड को एडिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक आ रहा है, तो वहाँ पर भी फॉलो करना है और वहाँ पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग एपिसोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम शिव गंगा।